नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरा विश्व परेशान है, उसमें हमारा भारत भी अछूता नहीं है। और यहाँ के भी कई बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन या रसिया में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भारत सरकार जो है अपनी ओर से पहल कर रही है। हम कोरबा जिले की बात करते हैं, कोरबा जिले के झुमितलिया शहर का भी एक बच्चा है शाहरुख, जो वहाँ MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया था और अभी युद्ध के दौरान वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब वो भारत सरकार से गुहार लगा रहा है या आस लगाया हुआ कि भाई हमको वापस अपने वतन में लाया जाए। हम बात करते हैं उनके बड़े भाई समीर जी से कि क्या है वास्तविक स्थिति और उन्होंने अपने भाई से क्या क्या बात किया। जी सर, अभी तो स्थिति तो बहुत नाजुक है, अपने भाई से क्या क्या बात किया था? दो दिन से कुछ ज़्यादा ही मैं अपडेट हो रहा हूँ उससे, हर पल पल की खबर ले रहा हूँ। तो स्थिति तो पूरी दुनिया को पता है कि बहुत ही ज़्यादा विकराल चल रही है, वॉर की स्थिति पूरी तरह से हो चुकी है। अब वहाँ पे जितना जल्दी वहाँ से बच्चे एवैक्यूएट करके हमारे देश वापस सुरक्षित पहुँच जाए हमारे पास, यही उम्मीद हम भारत सरकार से भी करते हैं। और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए जो कर सकता है अब हमारा भारत सरकार ही कर सकता है। कितने वर्षों से वो वहाँ पे है और क्या पढ़ाई कर रहे थे? 2017 से वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया है। यूक्रेन की कैपिटल कीव में ही उसका यूनिवर्सिटी है, जो कि कीव यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है। हेलो एवरीवन, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ, मैं कीव से रिपोर्ट कर रहा हूँ एट द मोमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है यूक्रेन में, थोड़ा शेलिंग्स वगैरह भी हुआ है, आप लोग ने वीडियोस में देखा होगा। बट ये है कि पैनिक नहीं होना है, हम लोग मैं यहाँ पे सेफ हूँ अभी, जो भी अपने फ्रेंड्स के होम पे हूँ। और मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि हमारी एम्बेसी भी ट्राई कर रही है कि इस सिचुएशन को जितना बेटर से बेटर टैकल किया जा सके और हमें इवैक्यूएट कराए। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब लाइक ज़्यादा कार्स वगैरह नहीं है, पब्लिक उतना रोड पे नहीं है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सिचुएशंस और बिट क्रिटिकल है। बट कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना, मैं घर पे हूँ, यहाँ पे सेफ है। ओवरऑल वहाँ पे आगे लाइक थोड़ा सा ये आगे वो राइट साइड में जाके वहाँ पे एक बंकर है, जहाँ पे लाइक अगर शेलिंग्स वगैरह हुए तो वहाँ पे जाके हम शेल्टर कर सकते हैं और पैनिक ना हुए। और जो भी मेरे फैमिली वाले हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि वो लाइक बेटर सिचुएशन के लिए वेट करें, होप सब ठीक हो जाए। और जहाँ तक MBC की बात, उसने बताया MBC के बारे में भी, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई किसी तरह का कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, जैसे एडवाइजरी जारी होगी उसके अनुसार वो काम कर पाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस अपार्टमेंट में वो अभी रुका हुआ उसके ठीक नीचे बंकर है, जहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हम समीर से और बात करना चाहेंगे कि भाई उनका और क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से, क्या उम्मीद है? देखिए, अभी तो आपके सामने में बात हुई हमारी उनसे, तो वैसा कुछ वो सिचुएशन नहीं बता रहा है, बट फिर भी स्थिति वार वाली है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जितने जल्द से जल्द जो भी काम कर रहे हैं आप बच्चों को लाने का, उसमें और तेज़ी दिखाएं, क्योंकि बच्चे पर्टिकुलर एक जगह पर है नहीं, इसलिए सरकार को भी दिक्कत होगी लाने में, टुकड़े में हर जगह उसके यूक्रेन के हर पार्ट में बच्चे हैं। तो जो बॉर्डर जिस बच्चे का जहाँ पर है, वहाँ से जो बॉर्डर नज़दीक पड़ रहा है जहाँ से सुरक्षित लाया जाए, तो वो बच्चे उस स्थान पर वो सुरक्षित जा रहे हैं, वहाँ से भारत सरकार का जो भी आगे का कार्रवाई है वो अपना वहाँ से अंजाम देंगे। हम भी लगातार मीडिया की तरफ से भारत सरकार से अपील करेंगे कि जितना जल्दी जल्दी हो सके हमारे बच्चे, यानी कि भारत के बच्चे जो हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, उनको वापस अपने वतन को लेकर आए। लाइव लगातार के लिए संध्या आचार के साथ मैं अरुण बर्नवाल कोडर। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।